नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर गुर्जर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले में वकील उत्सव बैंस द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए बनी एक अलग बेंच। रिटायर्ड जज AK पटनायक करेंगे आरोपों की जाँच। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक नजर सिंह मनछाइया हुए कांग्रेस में शामिल। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की उपस्थिति में हुए शामिल। अटकलों पर लगा विराम, प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी मोदी के खिलाफ बनारस से लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने बनारस से अजय राय को बनाया अपना उम्मीदवार। इसके साथ ही गोरखपुर से मधुसूदन तिवारी होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी किया आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। बोले, BJP को छोड़ किसी को भी केंद्र में सरकार बनाने को देंगे समर्थन। मोदी को हराना है लक्ष्य, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना बताई पहली प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में आज मेगा रोड शो। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और निर्मला सीतारमन जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद। हजारों की भीड़ उमड़ी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर BJP पर साधा निशाना। कहा, BJP का नया नाम भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता से, उनके नेता पत्रकारों के सवालों से और कार्यकर्ता 15 लाख बार रोजगार मांगती जनता से भाग रहे हैं। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 323.82 अंकों के नुकसान के साथ 38,730.86 के स्तर पर, तो वहीं निफ्टी भी 84.35 अंक टूटा, 11,641.80 पर हुआ बंद। ISSF विश्व कप में भारत के मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। मनु भाकर और सौरभ के लिए है ये दूसरा स्वर्ण पदक। इसी वर्ष फरवरी में विश्व कप के दिल्ली संस्करण में इसी श्रेणी में जीता था स्वर्ण पदक। IPL में आज राजस्थान और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता के ईडन गार्डन में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।